हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू सोई वेब गेमिंग अगेन यार। और स्वागत है आप लोगों का पार्ट फोर में। और यार तुम लोगों ने यार तो पूरा जिद ही कर डाला है यार कि म्यू पकड़ो यार। इसलिए आज मैं पहले विरिडियन सिटी में भाग आया हूँ कि भाई तुम लोगों को कुछ बताते हैं यार। यहाँ पे पहले देखो, ध्यान से देखो, पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम लोगों से। तो पहले इधर से निकलो, सॉरी सॉरी, तो इधर से निकलते हैं हम लोग। तो भाई तुम लोग कह रहे हो रूट 22, यानी इस तरफ में ये रूट 22 है मेरे ख्याल से। ये देखो रूट 22 है ना, रूट है 22। और भाई इधर देखो, ये ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ उसको। पहले थोड़ा सा अपना दिमाग ला के सोचो तुम लोग। ये भाई रूट 2 है, तो तुम लोग रूट 2 का तुम लोग रूट 3 की तरफ जाएंगे कि रूट 22 में जाएंगे, तुम बताओ यार तुम लोग। इसलिए मैं म्यू को नहीं पकड़ना चाहता था यार, क्योंकि म्यू पता है मुझे यार, म्यू इधर है। लेकिन यार अभी रूट 2 पे हम लोग, अभी हम लोगों को यहाँ पे आना है, लेकिन ये विक्ट्री रोड का रास्ता है, तो हम लोग विक्ट्री रोड की तरफ जाएंगे तो इसको यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन इतने लोगों ने जिद कर दिया कि भाई म्यू पकड़ो, म्यू पकड़ो, म्यू 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 साइनी म्यू। तो मैंने कहा ठीक है चलो भाई आज पकड़ ही लेते हैं। तो पहले जाते हैं यार, तुम लोग समझते नहीं हो यार, इतना हैक करके नहीं खेलना चाहिए अपने, मतलब यार थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के खेलना चाहिए। रूट 2 का रूट 3 में जाएंगे हम लोग, ना कि रूट 22 में घुस आएंगे। यहाँ पे भाई म्यू पकड़ने केवल आए हैं उधर। अरे हट जा भाई, तुम लोग सामने सटो। भाई ये देखो, यही सी यही बंदा देता है ना अपने को म्यू। रुक जैसे बात करते हैं हम लोग पहले, और आज म्यू पकड़ के ही रहेंगे हम लोग, ठीक है। तुम लोग यही चाहते हो ना, लो पकड़ रहे भाई। दो भाई ऊपर, तुमसे भी एक मैं पोल भी कराऊंगा ऊपर, क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आंसर बता देना मुझे। तो भाई ये बंदा यही कह रहा है केविन पोके फैन, शायद यही है, कोई भी होगा ये, देखते हैं कौन है ये। पता नहीं भाई, ये अपने आप को तो इसने इंट्रोड्यूस किया नहीं ज़्यादा कुछ, और ऊपर से म्यू यहाँ पियर हो चुका है। उन्होंने टॉक्सिल के भेजा है यहाँ पे, यूज करते हैं बॉम्बा फेंगबो, एक मूव अपने पास है, देखते हैं कुछ काम होता है कि नहीं इससे। तो भाई देखो यहाँ पर म्यू भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने म्यू को लेवल 5 का है वैसे, तो इसको आराम से हम लोग पकड़ सकते हैं। लेकिन देखते हैं पोकेबॉल में आएगा कि नहीं, नॉर्मल पोकेबॉल में हम लोग ट्राई कर सकते हैं। भाई शाइनी देखो भाई, वो बन चुका टॉक्सिल शाइनी वाला। भाई देखो यार, 1 सेकेंड क्या यार, 5 सेकेंड का काम था मुश्किल से, लो पकड़ लिया भाई। बस यही चाहते तुम लोग, मेरे को म्यू का इतना कोई इंटरेस्ट नहीं यार। म्यू पकवान बहुत बढ़िया है, जाहिर सी बात है यार, एक बार सबका सपना पकड़ना म्यू को। लेकिन यार ऐसा भी नहीं कि म्यू का क्या नाम रखो, म्यू ही रहने देते हैं यार, अच्छा नाम है। तो भाई यहाँ से निकलते हैं। अब भाई इस बंदे से लड़ने को मत कहना तुम लोग मुझे, क्योंकि इससे मैं जब विक्ट्री रोड के रास्ते में जाऊँगा तब इससे लड़ूंगा, ठीक है। अभी इससे नहीं लड़ना मुझे, मुझे पता है यहाँ पर लड़ सकते हैं हम लोग चाहें तो, लेकिन मुझे अभी नहीं लड़ना है इससे फालतू में। तो भाई अब निकलते हैं, म्यू पकड़ लिया। अब तुम लोग यार मुझे एक अपना आंसर दो, ऊपर अभी तुम्हारे सामने एक पोल आया होगा तुरंत, तुम लोग उसमें बताओ मुझे कि क्या मैंने म्यू पकड़ के सही किया। नहीं ये नहीं बताना, तुम लोग ये बताओ कि क्या मुझे म्यू को मतलब वो कर देना चाहिए, क्या मैंने म्यू पकड़ कर, यही बताओ यार तुम लोग, क्या मैंने म्यू पकड़ कर सही किया। अगर तुम लोग का आंसर है यस मैंने सही किया तो यस लगाना, तुम्हारा आंसर है नो तो तुम लोग कह देना मतलब नहीं सही किया मैंने। और अगर ज़्यादातर आंसर आएगा नो तो मैं म्यू को ड्रॉप कर दूंगा, यानी कि म्यू को मैं नहीं पकड़ूंगा, यानी कि म्यू को मैं PC में डाल दूंगा, उसको लेके सफर पे नहीं जाऊंगा आगे, ठीक है। तो यस और नो में अपना आंसर तुम लोग बता देना मुझे। फिलहाल पोकेमोन को हील कर लेते हैं, अपने पास म्यू फिलहाल आज के लिए रहेगा मेरे साथ, शाइनी म्यू है। ओके तो हम लोग चलते हैं यहाँ से, विरिडियन सिटी से निकलते, थोड़ा जल्दी में निकलेंगे। तुम लोग की इच्छा पूरी कर दी यार। भाई इतना म्यू म्यू क्यों करते हो तुम लोग यार, पोकेमोन को ट्रेन करना अपना मकसद होना चाहिए यार, चाहे जो पोकेमोन को ट्रेन तो सबको करना पड़ेगा। अब म्यूटू की बात अलग थी यार, म्यूटू तो भाई सबसे अलग ही है, म्यू भी सबसे अलग ही है, म्यू भी कोई कम खतरनाक पोकेमोन, कम ताकतवर नहीं है यार। अब भाई कुछ बंदे कह रहे थे भाई बटरफ्री, तुम लोगों ने बताया था कि बटरफ्री भाई यहाँ पे मिल रहा है, तो मैंने भी जाके सोचा कि यार लॉ ढूंढते हैं भाई बटरफ्री यहाँ पे है, ये बात सही है। लेकिन तुम लोग जरा ध्यान से देखो भाई, अभी अपने लोगों को सर्फ नहीं मिल रहा है, तुम लोग कैसे पकड़ेंगे। ये देखो बटरफ्री किनारे है ना, लेफ्ट साइड में उड़ रही है, और बिड्रिल भी है, तो हम पकड़ नहीं सकते उसको, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना देखने का इधर। तो तुम लोग सही बताया करो जो चीज़ हम पकड़ भी सकें। जैसे म्यू के बारे में बहुत लोगों ने कहा, म्यू मुझे पता था यार थोड़ा बहुत कि म्यू यहाँ पे मिल रहा है, मुझे पता था, लेकिन मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं आया, क्योंकि यार रूट 22 था वो हम लोगों का जो रास्ता है उधर से जाने का। ऐसा जो बता रहा हूँ, अगर मान लो कोई रियल कैरेक्टर खेल रहा होता तो वो भाई कभी भी उस रास्ते ना जाता, वो जिस रास्ते हम लोग अभी घूम के आए हैं ना। और भाई अभी लेवल 5 का हमें म्यू मिला है, अगली बार अगर हम लोग आते उससे मिलने म्यू को, मान लो पकड़ने आते, अगर हम लोग बहुत सारा जीत के सब जिम बैच जीत के यहाँ विक्ट्री रोड के रास्ते से आते, तो हम लोग यार हो सकता है कि म्यू जो है इससे हाई लेवल का मिलता, मुझे हो सकता है लेवल 30 का देखने को मिलता, तो हम लोगों को ट्रेन ना करता पड़ना पड़ता म्यू को। लेकिन अब तो अपने लोगों ने पकड़ लिया म्यू को, तो आपको ट्रेन तो करना ही पड़ेगा। तो भाई ये सब कुछ बातें हैं, इसलिए मैं नहीं पकड़ना चाहता था म्यू को, बट पकड़ लिया तुम लोगों को कहने से, क्योंकि भाई तुम लोग जो कहोगे वही करूँगा मैं। तुम लोग यार सब लोग साथ में खेलते तो किसी को ये नहीं है मुझे बुरा लगना चाहिए,
और अगर एक दो लोग कहते तो यार मैं चाहे मना भी कर देता, लेकिन यार बहुत लोगों ने कहा, जो कम से कम 20-25 कमेंट तो यार म्यू को लेके ही थे। और भाई कल की वीडियो में भी बहुत कमेंट आ गए, सेकंड वीडियो में तो आए ही थे भाई, भगवान को यहाँ पे हील कर लेते यार, नहीं तो कहीं फेंट ढूंढ होंगे तो वहीं उल्टा उतनी दूर चले जाएंगे हम लोग। ठीक है भाई, अब भाई हमने को जाना है यहाँ पर, हम लोग प्यूटर सिटी पूरा हम लोग घूम चुके थे और तुम लोगों के क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया जैसे तुम लोगों ने कहा था। ठीक है, अब चलते हैं, ना देर के यार, वीडियो पहले ही 4-5 मिनट हो गई। कोई नहीं, यहाँ से निकलते हैं हम। चलो यार ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम, थोड़ी दूर ही जाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना, तुम लोग देख सको। एम्प्टी मून का यहाँ से रास्ता है, चलते बिना देर की हो यार। टू टू रूट थ्री, देखो भाई रूट थ्री भी अभी यहाँ पे, तो भाई ऐसे जाना चाहिए, रूट टू के बाद रूट थ्री में हम लोगों को जाना चाहिए, ना कि रूट 22 में। तुम ही लोग दिमाग लगाओ थोड़ा सा, थोड़ा फिर फास्ट करते हैं, लोग लड़ते हैं हालांकि। ओह इसको कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक अटैक काम नहीं करने वाला, लेवल 12 का है वैसे वो। मैंने अपने पोकेमॉन को थोड़ा ट्रेन किया, लेवल 20 तक लेके गया हूँ अपने पिकाचू को और ये टॉक्सिल को, ताकि यार आगे लड़ने में थोड़ा आसानी हो। तो यार बॉम्ब फेंगा, अरे यार मैं तो भूल गया, मेरा बॉम्ब भी एक मूव है, बॉम्ब फेंगो करके, जो इसने सीखा है नया मूव। देखो म्यू भी लेवल 7 में पहुँच गया है, चलो भाई अच्छी चीज़ है, म्यू पहुँच रहा है, अगला है जिग्लीपफ। तो बॉम्ब फेंगो देते हैं इसको हम लोग, देखते हैं काम करता है, कर रहा है काम, चलो अच्छी बात है। ऐसा करते हैं यार, पिकाचू को अपने आगे रखते हैं हम लोग, थोड़ा स्पीड फास्ट किया क्योंकि बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा मुझे पता है अभी। ठीक है, तो अभी इस बंदे से लड़ो, थोड़ा फास्टली लोगों को हराते हैं। ओके यहाँ देखे हुए, देखो भाई ये तो गया, अगला कौन है? चलो भाई म्यू ट्रेन होता जा रहा है, अच्छी बात है अपने लिए। चलो म्यू, ये इसमें एक फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये एक्सपी शेयर वाला यार, अपने आप एक्सपी शेयर सब में ये बांट देता है बराबर से, अपने को ये नहीं कि भाई भाई एक्सपी शेयर अब एक ही को मिलेगा, एक को तड़पेंगे बाकी दो, ऐसा नहीं भाई, सबको बराबर से मिलता है। अगर 6 पकवाएंगे तो 6 के 6 को मिलेगा यार, ये आज बहुत अच्छा फीचर मुझे लगता है, सच बता रहा हूँ। इसके पास है पैरासेक्ट, इसको देते हैं हम लोग। ये कौन सा मूव मेरे पास है? अच्छा पैरालाइज, सॉरी थोड़ी गलत मूव दे दिया मैंने, डबल पराडा यूज करते हैं यहाँ पे, काम करना नहीं चल रहा यार, रुक जाओ ये बग, रुक जाओ यार, इसको इससे चार आते हैं, इससे भी इफेक्टिव नहीं ज़्यादा ये। ओहो अपनी एनर्जी कर रहा है, सोख रहा है, तो बहुत सही हरा दिया हम लोगों ने। और भाई तुम लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो सीरीज पे यार, थैंक यू। और एकेंस आ चुका है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स यार, तुम लोगों की वजह से हम लोग ये गेम खेल पा रहे हैं, तुम लोगों का सपोर्ट की वजह से ही। बहुत लोग नए नए लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं अपने साथ। और भाई मैं धीरे धीरे और भी गेम्स लाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी इस पर फोकस करने दो, 10 गेम मत बताओ मुझे, बहुत से नए नए गेम के सजेशन देते रहते हो तुम लोग। यहाँ पे और कोई रास्ता है? लड़की हट जाए इधर, देखें यहाँ कुछ नहीं है, मैं पकड़ एक बार, रुक जाओ एक मिनट, हील कर लेते हैं जल्दी से जा करके, क्योंकि थोड़ा सा लड़ चुके हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव वो मतलब कि थोड़ा इन लोगों के ऊपर एंटीडोट डालना ज़रूरी है, लेकिन अभी तुम लोग फास्ट में तो पकवान सेंटर इसलिए चला गया हमें, जल्दी चलते, पहले इन लोग को हराना बहुत ज़रूरी है यार। ओ सॉरी गलती से मिस्टेक, चल इसका देखिए पकवान, ओहो ये तो अपना पुराना दुश्मन है, चल इस पैरों निकल। चलो भाई म्यू लेवल 12 भी पहुंच गया, बहुत फास्टली पहुंचा यार, यकीन नहीं हो रहा इस बात पर तो मुझे भाई, थोड़ा फास्ट स्पीड करने के लिए माफ़ करना, लेकिन चलो भाई। ये कौन है? ओहो एक शाइनी विनोनेट, कोई नहीं इसको भी हराएंगे हम लोग, वो कुछ सर्च कर रहा है अपने को, पिकाचू नया मूव सीख रहा है, चिस्पा, चिस्पा तो मेरे ख्याल से मेरे पहले से मूव है ना, चिस्पा वो वाला मूव है, थंडर, थंडर को चिस्पा कहते हैं इन लोग, थंडर मुझे सिखाना चाहिए कि नहीं यार, थंडर मेरे ख्याल से उसके पास है टॉक्सल के पास, तो मैं थंडर नहीं सिखा रहा यार, थंडर अवॉइड करते हैं हम लोग, थंडर बोल्ट के अलावा बोल्ट टैकल आएगा तो सिखा दूंगा मैं, तो इस पर यही मूव यूज करते हैं। चल गया फेंट, थोड़ा स्पीड थोड़ा स्लो करते हैं, इधर देखते हैं बहुत सारे पकवान घूम रहे हैं, एकेंस वेकेंस देखो भाई, सपेले सपोला, ओ ओ ये भी लड़की लड़की, रुक जाओ इसके अंदर जिगली पफ रहती है, हाँ जिगली पफ ही है यार, जिगली पफ मिलेगी तो मैं पकड़ूंगा यार जिगली पफ, उसका गाना सुनना है मुझे, देखते सुनाती भी है कि नहीं गाना, देखा तो गाना शायद सुनना मुश्किल हो जाएगा अगर हम लोग खुद का जिगली पफ होगा तो। टॉक्सल भाई लेवल 21 में पहुँच चुका है, बहुत अच्छी बात है, म्यू लेवल 13 में पहुँच चुका है, पता नहीं चुका है कि चुकी है, मेरे ख्याल से मेल म्यू, एक मिनट चेक कर लेते हैं यार, ये चीज़ भी चेक करना जरूरी है, पोकेमॉन कहाँ है मेरे, पोकेमॉन म्यू, मेल फीमेल साथ नहीं रहते म्यू यार, मैं तो और एकदम बेवकूफ़ हूँ, जेंडरलेस रहता है म्यू तो पूरी दुनिया में एक ही है, तो रोड 22 में मिला है अपने को भाई। टॉक्सिल कहाँ मिला हम लोग यहाँ पता कर सकते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, देखो अभी मुझे याद आ रहा है, देखो भाई यहाँ पे लिखा रहता है नीचे स्यूडेड वर्ड, यानी हम लोगों को मिला है विरिडियन सिटी में और निवेल 5,
और न्यूचर रिलीजिया एक्टिवा यहीं पे किसी जगह पे मिला है मुझे टॉक्सल भी, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले, लेकिन अब चलो पता चल गया अपने को। तो यहाँ से निकलते हैं आराम से भाई। शैंड श्रू ऊपर देखो भाई, ट्राईहॉर्न है, मैंकी है कि वो प्राइम एप है, मेरे ख्याल से मैंकी है वो। यहाँ पे भाई बहुत से इन सबसे बंदे से लड़ना पड़ेगा अपने को, लड़ लेते हैं यार, लड़ने से अपने ट्रेनिंग होगी बस पोकेमॉन्स की। और डबल पराडा यूज करते हैं, काम नहीं करेगा ज़्यादा, ऐसा करता हूँ यार यही यूज करता हूँ यार, यही एक मूव है जो थोड़ा। ओहो एम्बर, एम्बर यूज कर रहा था नहीं यार वो शायद अब्जॉर्ब यूज कर रहा है अपना। अगला कौन है? ये सब तो यार छोटे मोटे, ये सब तो निकल लेंगे। अरे बटरफ्लाई मुझे पकड़ना था बट तुम लोगों ने कहा, मैंने जाकर चेक किया, लेकिन यार वो थोड़े दूर है, अभी अपने को सर्फ चाहिए पहले, तभी पकड़ पाएंगे हम लोग। अब म्यू लेवल 14 पे बटरफ्ली, यार नाम लिया हाजिर यार, कितनी लंबी उम्र है इसकी यार बटरफ्ली की। ओ यार कितनी क्यूट है, क्यूट है, क्यूट लड़की वाले नहीं क्यों रहे हमें भाई मेरे को बटरफ्ली। अरे रुक जा भाई, देखो भाई बटरफ्ली खतरनाक होता जा रहा है यहाँ पे तो। अरे अरे रुक जा बटरफ्ली, मेरे को छोड़ दे यार, बहुत से उठ गया। अरे यार कन्फ्यूज है, पेड़ को पिकाचू करा दिया यार इसने तो। कोई नहीं अपने पास अभी यहाँ पे एसिडो है, चलो काम बना दिए इसने। अरे करते इससे लड़ लेते हैं, फिर जाएंगे हम लोग पकौन को हील करेंगे तब आगे जाएंगे। ओहो इस बंदे को मुझे हराना पड़ेगा इससे, देखो भाई यही थंडर है ना इसके पास है, ओडा करके कोई ये मूव है, थंडर है मेरे ख्याल से। चलो भाई म्यू ट्रेन होता रहा, ये अच्छी बात है, इसको भी इसी से हरा देते हैं हम लोग। और ये भी गया, और भाई लाइक कर देने, इसने लाइक नहीं किया है, लाइक करते रहो, लाइक करते रहो, लाइक से मेरा सपोर्ट बढ़ता है यार, ठीक है तो लाइक कर देना तुम लोग। ये भी एक बंदा यहाँ पे, और बंदे क्या हाल है, डायनासोर की बात कर रहा था क्या भाई ये? यहाँ पे भी कई सारे पोकेमोन है, पीजी है मतलब ये पीजी रही, स्पैरो एक्केंस सब घूम रहे हैं आराम से। और यहाँ पे देखो भाई ये इन लोगों ने जो ये बनाया बीच में, देखो ये ध्यान से देखो यार, ये पहले सब नहीं था यार पेड़ यहाँ पे, सच बता रहा हूँ, इसे अभी नया नया बनाया गया। रूट फोर देखो भाई, लाइन से हम लोग चल रहे हैं, रूट फोर में अब आए हम लोग, इसे कहते हैं लाइन से चलना, ना कि रूट 22 में घुस जाना, वो है रूट फोर। सॉरी रूट, बहुत स्पीड फास्ट कर देता हूँ मैं, क्या कह रही है ये टॉपर के कम डी रूट, पता नहीं क्या बता रही, जियो रूट कर कुछ। तो भाई यहाँ पे एम्प्टी मून है अंदर, तो पहले अपने पकवान को हील कर दें, यहाँ पकवान हील करने वाला सिस्टम है, चलो अच्छी बात है। नर्स जॉय प्लीज़ हील कर दीजिए मेरे तीनों पोकेमॉन्स को। और भाई जैसे तुम लोग अगर ऊपर आप कॉल बटन में दोगे, उसी हिसाब से अब काम होगा अपना, कि म्यू को रखना है कि नहीं, ये तुम लोग की जिम्मेदारी है। मैंने बता दिया कि मैं क्यों नहीं पकड़ना चाहता था म्यू को, ये क्या बताया इस बंदे ने, रुक जाए यार ध्यान नहीं देना। तो टेंगो 6 पोकेबॉल इन माई, इसके बाद 6 पोकेबॉल है, पता नहीं क्या कह रहा है। हम्बरे होला मैं जो टेंगो, पता नहीं क्या मैजिकार बेच रहा है $500 में, मतलब $500 का सॉरी 500 पोके कॉइन में, खरीद ले का यार, खरीदते यार गैराडोस बनेगा वो तो अपने पास, एक क्या कहते हैं उसको यार, एक क्या कहते हैं उसको यार, वाटर टाइप पोकेमॉन होना चाहिए अपने पास में, तो खरीद लेते हैं यार 500 तो बहुत कम है अपने लिए। तो नाम नहीं देना यार मैजिकार्प को, नहीं 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 नाम नहीं देना मैजिकार्प को, मैजिकार्प ही रहना दे। ओके तो अपने मैजिकार्प को जब एक बार चेक कर लेते हैं यार पोकेमॉन में, मैजिकार्प अपने पास, मैजिकार्प लेवल 5 पे आ चुका है ये, तो भाई धीरे धीरे अपने आप ट्रेन होता रहेगा। फीमेल दे दिया इसने यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक फीमेल भी होनी चाहिए अपने पास फीमेल। इसके बाद यार एक स्प्लैश खाली मूव रहता है बस, फालतू का मूव, कोई नहीं धीरे धीरे ट्रेन करेंगे। तो मैजिक कार्प देखते हैं क्या करना, तुम लोग कमेंट में करना, कमेंट बताना क्या करूँ मैजिक कार्प का भी मैं। तो ये बंदे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ रखा पेपर ऊपर पढ़ते हैं, रख मिनट इधर कुछ नहीं है, इस बंदे से बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है खास बाकी यार, एम्प्टी मून में अपने को जाना है, जो कि मैं आज नहीं जाऊँगा, क्यों, क्योंकि यार ये म्यू के चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया, वरना आज मैं एम्प्टी मून पूरा ख़त्म कर देता। और वीडियो में यार थोड़ा 15 मिनट तक ही रखना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि ज़्यादा इस टाइम नहीं खेलना, मतलब खेलना चाहता हूँ यार ज़्यादातर, लेकिन मैं अभी फोकस कर रहा हूँ ऐश ग्रे पे थोड़ा खेलने पे, तो उसको थोड़ा ट्रेनिंग करानी है ऐश ग्रे पे मेरे को। भाई तुम लोग बताना कैसी लगी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और भाई कल इन बंदों से बात, इस बंदे से मतलब इस अंकल जी से बात करेंगे, ये एम्प्टी मून का रास्ता है, केव एम्प्टी मून, ठीक है, एम्प्टी मून मतलब माउंट मून। तो यार आज के लिए इतना ही हम लोग करते हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग नए हो, पहली बार आए हो, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि अगली बार भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। एंड कमेंट में बताओ कैसा लगा, और ऊपर कॉल बटन में, आई बटन में कॉल जरूर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, गुड मॉर्निंग जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं। और गेम को करते हैं फिर सेव यार, बिना देर के हुए गेम को करते हैं सेव, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा अपने को।
यही मेरे ख्याल से गुआर्डा सेफ, यस ऐसा ही, यस बाय बाय दोस्तों।